कैसे हो मेरे बच्चे? इस समय तुम्हारे मन में बहुत भटकाव चल रहा है। तुम्हारा मन एकाग्रचित नहीं है और वह किसी भी काम में नहीं लग रहा है। तुम्हारी व्याकुलता का सबसे बड़ा कारण है लोगों की बातें। हर व्यक्ति तुम्हारे सामने जो तुम उसके बारे में सोच रहे हो निकलता ठीक उसके विपरीत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कष्ट का एक कारण तुम्हारी सोच भी है। तुम्हें यह संसार चारों तरफ अच्छा ही अच्छा प्रतीत हो रहा है, यह सब तुम्हारी सोच का ही परिणाम है। तुम्हें जो अपने माता पिता से संस्कार मिले हैं, उसी का यह नतीजा है कि तुम लोगों के अवगुण देख ही नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे जीवन में। अब सब बदलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तुम इस संसार के लोगों को अच्छी तरह से पहचान सकोगे, जो मैं तुमसे कहता जा रहा हूँ। बस तुम उन बातों का पालन करो। सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों का अंत करो और मेरी आराधना से तुम्हारे अंदर अच्छाइयों का जन्म होगा। तुम्हें अपने आसपास का माहौल ठीक करने के लिए पहले स्वयं को ही बदलना होगा, तब यह संसार तुम्हें बेहतर दिखेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। तुम अपना कीमती समय यह सोच कर बिल्कुल भी बर्बाद ना करो कि लोगों ने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया है। तुम सिर्फ अपना ध्यान परमात्मा की स्तुति में लगाओ। बाद बाकी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को परमात्मा जवाब देगा। जैसे ही तुम मेरी बातों का अनुसरण करोगे, तुम्हारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होने लगेगा और मेरा प्रवेश तुम्हारे परिवार में होने वाला है। मेरा प्रवेश तुम्हारे जीवन में जैसे ही होगा, तुम्हें हर जगह से शुभ संकेत मिलने लगेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव ऐसे ही बना रहेगा।